आपण पाहत आहात भारतीय जनमत आपला चॅनल। आज की बड़ी खबर, ओशो के करोड़ों भक्तों के लिए एक चिंताजनक मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर ओशो के नाम से जुड़े 200 से ज्यादा पेज हटा दिए गए हैं। ये कार्रवाई पुणे स्थित ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के प्रबंधकों ने की है। स्वामी चैतन्य कीर्ति ने इस पर गंभीर आरोप लगाए है। स्वामी कीर्ति का कहना है कि ये कदम जानबूझकर किया गया है ताकि गुरु पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की सूचना भक्तों तक न पहुंच सके। वे इसको एक साजिश मानते हैं जिसमें स्विट्जरलैंड की ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन का हाथ है। स्वामी कीर्ति ने बताया कि इस फाउंडेशन ने जुर्की में अपना नाम पंजीकृत करवा रखा है और ओशो की किताबों से रॉयल्टी कमा रही है, लेकिन पैसा भारत में नहीं आता। अब ओशो के शिष्य इस अन्याय के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे है। ये मामला ओशो के संदेश के स्वतंत्र प्रसारण में बाधाएं खड़ी करने का भी आरोप लगा रहा है। शिष्यों की नाराजगी बढ़ रही है और वे न्याय की मांग करने के लिए तैयार है। अपन पाहत आहात